काम कर ऋषि हुए थे, उन्होंने आनंद में कोष तक चेतन कर लिया, मगर चित्त और सत आज तक अनटस्ट। ऋषि अरविंद ने साफ घोषणा की है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेंगे। एक खेचरी मुद्रा और होते, खेचरी मुद्रा गुजरात में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, खेचरी मुद्रा को जीव अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है, उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा, अमृत कहा। गोरखनाथ जी ने कहा गगन मंडल में ऊंधा कुआ कहां अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है, तो फिर दूसरा जन्म क्यों होगा। कबीर ने एक उदाहरण दिया है, जल भी कुंभ, कुंभ भी जल है, बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना, यह गति विरलिन जाने। पानी का घड़ा है मट्टी का, उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर रख दो तो बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है। फिर वो कहता है विघटा कुंभ जल जल, बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक, ये गति विरले न जाने, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो भाई ये जो लिए बैठे हो ना घड़ा, ये तो आज नहीं कल गढ़ना ही गढ़ना है, और इसको दोबारा नहीं बनना, इस घड़े को दोबारा नहीं बनना चाहते तो फिर नाम ही जपो। कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर तरी पारा। नानक देव जी महाराज ने कहा बांग तुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास बोले, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल बिढ़े दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियां होगी इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। भारत सरकार सोचती है, अभी अभी जो मुख्यमंत्री बनी उसके पास मेरे शिष्य कहे, उन्होंने कहा बेटा सरकार आपके मदद नहीं कर सकते क्योंकि अरबों डॉलर आ रहे हैं, आप करते रहो। सबको नोटिस दिया, मुझे नहीं दिया। उनके पास रिपोर्ट है रेनबर्ग जी की। तो इस प्रकार एक ऐसा परिवर्तन आया इस देश में, ये अवतारों की धरती है, अवतारों की धरती है, राम और कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए इसमें, बाकी सब पैगंबर वाली लोग हैं। ईसा ने किया, मूसा ने किया, ये किया, एक हमारा दर्शन है जो मतलब ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने की बात करता है, पातंजल योग दर्शन। 33 सूत्र में इसका वर्णन है, समझे। ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर सुनाई देता है, समझे। कई शिष्यों को दिखता है जब फ्यूचर दिख जाएगा तो फिर किस काम में फायदा है किस में घाटा है वो तो आपको मालूम हो जाएगा, तो फिर फेल्योर नहीं हो गए व्यवहारिक जगत में, फेल्योर नहीं हो गए। और पांच तो जो बीत चुका बीत चुका। मैंने एक किताब लिखी है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंग्लिश में, उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया और 18 साल तक वो भटकता रहा, और 30 साल की उम्र में आया, उन्होंने 3 साल में आपको मार दिया, 3 साल में उनको क्रूसीफाई कर दिया। तो आप ध्यान मेरे पास आओ, दीक्षा फ्री दीक्षा दूंगा और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा कहां जन्मा कहां मरा 18 साल कहां हुआ सब आपको दिख जाएगा।
समझे। अब वहां इज्म आ जाता है, इज्म आ जाता है। ईसा कर नहीं सका, मोहम्मद नहीं कर सका, मूसा नहीं कर सका। तीन ग्रंथ है उनके, तैरात, एंजल्स और कुरान। और तीनों इस बात से परेशान है कि एक हिंदू है, हम नहीं कर सके, वो काम ये कैसे कर रहा है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा, आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। तब फिर संसार का, अब ये लाइव जो हो रहा है ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पर हो रहा है, ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजिनी और आई थी मेरे पास एक तेल अविव से, उसने कहा आप तो ईसा के अवतार हो, यहां क्यों बैठे हो। समझे ना, समझे। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकले के पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूं तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो गंगानाथ जी का मायक हूं भाई। रेल में तो रिटायरमेंट कर, तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे ना, समझे। तो आए तो की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनाव को नहीं समझता था। मिर्ची अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे। आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना, अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, शुरू कर दो।